हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का जो पोइट्री सेक्शन है उसमें फर्स्ट पोएम करेंगे डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको पता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अ वेल नोन अमेरिकन पोएट ऑफ नेचर हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं अमेरिका के जाने माने प्रकृति कवि हैं। इन दिस पोएम ही प्रेजेंट्स ए मोमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज ए लार्जर सिग्निफिकेंस। इस पोएम में वो एक ऐसे मोमेंट को प्रस्तुत करते हैं जो कि साधारण सा दिखाई देता है लेकिन उसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। डस्ट ऑफ स्नो एक हाईली सिंबॉलिक पोएम है। डस्ट ऑफ स्नो जो है वो एक हाईली सिंबॉलिक पोएम है जिसका मतलब होता है अति प्रतीकात्मक कविता है। वन डे द पोएट वॉज इन ए डिप्रेस्ड मूड। एक दिन कवि जो है बहुत ही हताशा भरे मूड में था, तो क्या हुआ, ए प्लेजेंट थिंग हैपन्ड इन ए ट्री। एक वृक्ष पर एक सुखद घटना घटी। इट चेंज द पोएट्स मूड। इसने कवि के मूड को बदल दिया। इट सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोएट। इसने कवि के शेष दिन को बचा लिया। तो स्टार्ट करते हैं पोएम डस्ट ऑफ स्नो। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी। जिस तरीके से एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। शुक डाउन ऑन मी का मतलब होता है मुझ पर जो है एक किस्म से गिरा दिया। और वो गिराया कैसे कि उसने जो है एक वहाँ पर धतूरे का पेड़ था जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेमलॉक ट्री। उस धतूरे के पेड़ को जो है हिला दिया। शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जिसको हम वैसे कहेंगे तो बर्फ़ की धूल कहेंगे लेकिन यहाँ पर जो है पार्टिकल्स ऑफ स्नो का हम कहेंगे। और हेमलॉक का मीनिंग मैंने आपको बताया, धतूरे का वृक्ष, और इसे इंग्लिश में कहते हैं ए पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। एक जहरीला पौधा या वृक्ष जिसमें छोटे सफ़ेद फूल होते हैं उसको हेमलॉक ट्री कहते हैं। तो वो जो कौवा था वो हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री। और वहाँ से जिस तरीके से उसने जो है उस वृक्ष को हिलाया और जो पार्टिकल्स ऑफ स्नो है, जो डस्ट ऑफ स्नो है, वो उसने उस वृक्ष को हिलाकर जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कवि हैं जो उस वृक्ष के नीचे खड़े हुए थे उन पर जो है गिरा दिया। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने हैं कि यहाँ पर ये एक सिंबॉलिक इंसिडेंट है जिसको कवि ने जो है प्रस्तुत किया है। कवि यहाँ पर जो है हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ है, वो एक सैड मूड में है, तभी जो है एक कौवा जो है धतूरे के पेड़ को हिला देता है और ऊपर से जो बर्फ की जो धूल है वो कवि पर गिर जाती है। तो आई होप आपको जो ये फर्स्ट स्टैंजा है ये क्लियर हो गया होगा। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। और इससे क्या हुआ है कि जो डस्ट ऑफ स्नो जो है कवि के ऊपर आकर गिरी है, जो बर्फ़ की जो धूल है वो जो कवि पर गिरती है, इस छोटी सी जो घटना है इससे कवि की मानसिक दशा में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। वो कह रहा है कि हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। इससे मेरे हृदय को जो है क्या हुआ है एक कि मेरा जो मूड है वो परिवर्तित हो गया है इस घटना ने,
जो हेमलॉक ट्री से जो डस्ट ऑफ स्नो जो है कौवे ने वृक्ष को हिलाकर जो है कवि के ऊपर जो गिरी है, उससे क्या हुआ है कि भाई कवि का जो मूड जो है वो चेंज हो गया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, और कवि ने जो है ये मान लिया था कि उसका जो दिन जो है वो ख़राब हो गया है, इससे जो है क्या हुआ है कि उसका जो बाकी का जो दिन है वो बच गया है। तो रूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, रूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, और क्या हुआ है कि दिन के कुछ भाग को बचा लिया है जिसने जो है जिसको मैंने जो है रिग्रेट के रूप में हेल्ड कर रखा था। तो यहाँ पर जो है रूड का मतलब होता है उदास होना, फील सैड अबाउट, और हेल्ड इन रिग्रेट। तो उस बात ने जो है जो डस्ट ऑफ स्नो जो है कवि के ऊपर गिरी कौवे के द्वारा जो है वृक्ष को हिलाने से, हेमलॉक ट्री जो वृक्ष है उसको हिलाने से, उस बात ने जो है कवि कह रहा है कि मेरे मिजाज को बदल दिया और उस दिन के कुछ भाग को बचा दिया जब मैं खराब मनोवृत्ति में था। तो कहने का मतलब ये है कि इस कविता में एक प्रतीकात्मक घटना का वर्णन किया गया है। कवि धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा है, वह उदास मूड में है, वह सोचता है कि उसका दिन खराब हो चुका है। तभी एक कौवा जो है धतूरे के पेड़ को हिला देता है और ऊपर से बर्फ़ की धूल उस पर गिरती है। यह छोटी सी घटना कवि की मानसिक दशा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है, उसका मूड बदल जाता है। वह सोचता है कि इसने उसके शेष दिन को बचा लिया है, और वो जो कवि है वो कौवे की भांति अपने काम पर लग जाता है। तो इस तरह से जो कवि की जो उदासी है उसका जो है अंत हो जाता है। तो ये जो डस्ट ऑफ स्नो है पोएम, इसने जो है कवि के जो मूड को जो है बदल दिया है। तो सिंबॉलिक जो है इसमें बात कही गई है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पोएम है ये हाईली सिंबॉलिक पोएम है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में उस साधारण से मोमेंट को प्रस्तुत किया है, लेकिन उसका जो है वास्तव में जो है बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आई होप आपको जो है ये पोएम जो है समझ में आई होगी। यदि कोई वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।